हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सिनेमा और सियासत के ड्रग्स कनेक्शन का भेद खुलने वाला है। एक ऐसा शख्स एनसीबी के हाथ लगा है जिसके खुलासे से माया नगरी में सनसनी, और अब बड़े बड़े नाम इसके लपेटे में हैं। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होकर जेल गई। दीपिका पादुकोण से ड्रग्स केस में पूछताछ हुई। सारा अली खान से लेकर श्रद्धा कपूर तक ड्रग्स से जुड़े सवाल पूछे जा चुके हैं। अब खबर यह है कि एनसीबी अभिनेता अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ड्रग्स कांड में अर्जुन रामपाल का नाम पिछले महीने भी आया था, लेकिन अब नाम की वजह है उनकी प्रेमिका। अर्जुन रामपाल की प्रेमिका गैब्रियला के भाई एगिसी लाओस को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद एनसीबी अब मुंबई में बड़े फिल्मी सितारों तक ड्रग्स का कनेक्शन पता करने में जुट गई है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर गणेश ठाकुर को जानकारी मिली है कि इस गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसे राजनेता भी जांच के दायरे में आ सकते हैं जिनके करीबी रिश्ते फिल्मी दुनिया के लोगों से हैं। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में गिरफ्तार ड्रग पेडलर अनुज केसवानी केजे ने एगिसी लायोस की जानकारी एनसीबी को दी। एगिसी लायोस की गिरफ्तारी बहुत अहम है क्योंकि वो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, निर्देशक और मॉडलिंग जगत के मॉडल्स के संपर्क में था, उन्हें ड्रग्स दिया करता था। एगिसी लायोस ने दी जानकारी के आधार पर एनसीबी ने बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों की एक सूची तैयार की है, यानी आने वाले समय में बॉलीवुड के और कुछ बड़े नाम जांच के फेरे में आ सकते हैं। वहीं एगिसी लायोस के आधार पे जिनके नाम सामने आए हैं उनको समन भेजने की तैयारी एनसीबी कर रही है। अर्जुन रामपाल की प्रेमिका का भाई एगिसी लाओस मॉडल, अभिनेता और कपड़ा व्यवसायी है। आरोप है कि दक्षिण अफ्रीकी मूल का एगिसी न सिर्फ ड्रग्स लेता है बल्कि बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया से जुड़े बड़े नामों तक ड्रग्स पहुंचाता था। गिरफ्तारी के बाद एगिसी लाओस के पास से हशीश और वो टैबलेट भी मिली जो भारत में बैन है। एगिसी लाओस का संबंध साउथ अफ्रीका ड्रग्स सिंडिकेट से भी बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद अब बॉलीवुड के बड़े सितारों पर एनसीबी का शिकंजा कसेगा।